नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार टुटुल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने जो हमारे वीडियो को देखा और प्यार दिया उसके लिए। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई अपना बिजनेस है तो उस बिजनेस को आप गूगल में कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे उस बिजनेस के प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं गूगल में, ताकि कोई भी यूजर्स आप अगर आप गूगल में आपके बिजनेस को या नाम को टाइप करें तो इस तरह से जो यहाँ राइट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से लेआउट आपको या ये प्रोफाइल यूजर को दिखे, जिसमें यूजर अपना यहाँ से रिव्यू दे सकता है और रिव्यू को राइट कर सकता है और रीराइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, ताकि जितने ज़्यादा रिव्यू आपको यहाँ पे दिखेंगे उतना ज़्यादा ट्रस्ट आपके कस्टमर का आप पे या आपके बिजनेस पे बढ़ेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी या सर्विस क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और इसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे ज़रूर पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस प्रोफाइल आपका गूगल में। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइप करना है गूगल बिजनेस लिस्टिंग। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे गूगल में ये फर्स्ट पॉइंट पे आपको यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मांगेगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल अकाउंट लॉगिन मांगेगा, अगर सिंगल अकाउंट है तो सीधे इस तरह से रीडायरेक्ट हो जाएगा और ये पेज जो यहाँ पे दिख रहा है वो पेज यहाँ पे आपको भी दिखेगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बिजनेस नेम डालना है कि क्या है आपके बिजनेस का नाम। तो चलिए मेरे बिजनेस का नाम है लाइफ स्पाई। ये मान लीजिए मैं एक पेज या बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ लाइफ स्पाई के नाम से, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, क्या है कंट्री है, एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्लॉक 2 ब्लॉक K 2/7 जो हमारा एड्रेस है वो मैं डालता हूँ। आपका जो एड्रेस है आप डालिए, ठीक है। मॉडल टाउन एंड दिल्ली, ठीक है मैंने डाला। सिटी का नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके सिटी का नाम होगा। उसके बाद पिन कोड, जो आपका पिन कोड होगा, ठीक है मैंने अपना पिन कोड डाला। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जहाँ भी हैं जिस स्टेट में हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको यहाँ बताना है कि आप क्या सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, डिलीवर करते हैं गुड और सर्विसेज टू कस्टमर, अगर हाँ तो यस क्लिक करना है। हैड माई एड्रेस इट इज़ नॉट स्टोर ओनली सो रीजन, अगर आपका ये स्टोर नहीं है तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं क्लिक करके, ताकि लोगों को दिखेगा नहीं आपका एड्रेस। अगर आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो आप अनचेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं कोई डिलीवरी नहीं करता हूँ, मेरा ऑनलाइन कहिए कि ब्लॉगिंग है का सिस्टम है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको लोकेशन सेट करने का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे इस कर्सर को लेफ़्ट राइट करके आप सेट भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपका लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। सपोज शॉपिंग से अगर क्लॉथ की शॉपिंग है तो क्लॉथ डाल सकते हैं कैटेगरी, आपके कोई मेडिकल शॉप है तो मेडिकल शॉप से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल डाल सकते हैं। अब मेरा कुछ नहीं ब्लॉग है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। अब फिर बिजनेस ब्लॉगिंग नहीं आ रहा, जो आएगा बिजनेस करेंगे लोकल। अब बिजनेस में भी कई चीज़ें हैं, देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या बिजनेस है आपका, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या डालते हैं। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं बताता हूँ इसको एजुकेशनल न्यूज, या तो मैं कर देता हूँ न्यूज, न्यूज पेपर अटेंडेंट डिपार्टमेंट, न्यूज एजेंट होगा, न्यूज सर्विस, इसमें भी काफ़ी सारे पब्लिशर, न्यूज एजेंट, कुछ भी आप इसमें जितने सारे कैटेगरी हैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारे हैं। तो मैं एजुकेशन कर देता हूँ, एजुकेशनल सप्लाई टेस्टिंग एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एडल्ट एजुकेशन सेंटर यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ डालता हूँ क्योंकि हमारा ब्लॉग है वो बड़े मतलब कोई भी पढ़ सकता है, तो मैं उसके लिए इसने सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम,
जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक तो कॉन्टेक्ट नंबर डालने का है और दूसरा वेबसाइट यूआरएल डालने का है। तो कॉन्टेक्ट नंबर में डालिए पहले जो भी आपको डालना है, मैं अपने नंबर डालता हूँ, उसके बाद यूआरएल डालता हूँ, लुलू डॉट लाइफ स्पाइल डॉट इन, जो भी है। आई डोंट हैव वेबसाइट है तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है अगर वेबसाइट नहीं है तो। अगर गेट फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वेबसाइट भी क्रिएट करता है, मैं करता हूँ, है मेरे पास वेबसाइट, फिर इसको करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे फिनिश का आ गया, फिनिश करेंगे, फिनिश करते ही आपको देखते हैं नेक्स्ट विंडो आपको जो ओपन होगा, ये ओपन होगा आपके पास। ये देखिए दोस्तों, ये दो तरीके के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर आप फ्रेश कर रहे हैं, आपके आईपी पे पहले कभी रजिस्टर नहीं हुआ है इस पर, तो डायरेक्ट आपको फ़ोन नंबर के थ्रू भी आपका वेरीफाई करा देता है कि फ़ोन नंबर पे आपको ओटीपी आया, वेरीफाई हो गया। अगर उससे नहीं होता तो यहाँ पे ये विंडो होगा ओपन, जिसमें आपको एक पोस्टल कोड आएगा या कि मेल आएगा गूगल की तरफ से, जिसमें आपको एक कोड होगा, वो कोड इसमें वेरीफाई कराना होता है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नाम डालेंगे, क्योंकि बिजनेस के नाम से आपको कोई नहीं जानता है, तो आप ऐसा नाम बताइए जिसके नाम से वो आपको मिले, आपके एड्रेस पे डिलीवर हो और आप उसे रिसीव करें। उसके बाद मेल पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक कर देंगे कंप्लीट, तो ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आ गया, पोस्ट कोड इज कमिंग, यू विल गेट अ पोस्ट कोड विथ योर वेरिफिकेशन कोड एंड नेक्स्ट स्टेप इन अबाउट 12 डेज, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर ये कोड, इस तरह के जो गूगल कोड होते हैं, एक मेल आएगा आपके, मेल के या पोस्टल कोड आएगा, वो आपको रिसीव करना है जब भी आएगा, और उसके बाद आपको इसमें अकाउंट में आके अपने वेरीफाई करना है। जैसे फिर अकाउंट में बिजनेस लिस्टिंग में यहाँ पे आएंगे, आपको वेरीफाई करना होगा अपने, यहाँ पे देखिए पेंडिंग आ रहा है, वेरीफिकेशन पेंडिंग, तो ये वेरीफाई करना होता है हमें, जैसे भी कभी भी जब भी ये चीज़ हो जाएगी। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट, उसके बाद ये लिस्टिंग बिल्कुल जैसे हमारा ये शो हो रहा है यहाँ पे, कोई भी सर्च करेगा तो इस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा यूजर्स को, कोई भी कस्टमर होगा, जिससे कि यूजर्स अपना रेटिंग भी दे सकता है यहाँ पे। अगर कोई यूजर आपकी सर्विस यूज करता है तो वो अपना रेटिंग दे सकता है, ताकि आपकी जो यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट हो, जो नेक्स्ट कस्टमर के लिए एक आपको ट्रस्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि लोग आपके सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, और दोस्तों अगर वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा जो आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना रिव्यू हमारे यहाँ पे राइट करें। यहाँ पे राइट का ऑप्शन होगा, हमने यहाँ पे अभी रिव्यू राइट कर रखा है इस अकाउंट से, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, जब आप अपने अकाउंट से ओपन करेंगे तो यहाँ पे राइट का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ राइट करें और अपने कमेंट दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।